जाति पाति के आधारित राजनीति की हार है और सबसे बढ़कर कांग्रेस पार्टी हाईकमान की हार। आपसी फूट। ठीक है जेटली साहब, कई बातें कहीं अभी कौशल साहब ने, हाईकमान को उन्होंने लपेटा, उन्होंने कहा ईगो, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बटी हुई थी। कैप्टन अजय यादव सही बोल रहे हैं या उनकी जो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई, मुख्यमंत्री का सपना था, अब विधायक थे अब वो भी नहीं रहे, या कांग्रेस पार्टी के पास कोई चारा नहीं था? ये तो सही है कि जो सेनापति होता है हार का ठीकरा भी उसी के सर टूटता है फूटता है, लेकिन हमारे प्रदेश की परिस्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर एक ऐसे सच को नज़रअंदाज किया जो दीवार पर लिखा हुआ था, बार बार बताया जा रहा था आलाकमान से लेकर बाकी जितने भी पदाधिकारी थे कि साहब ऐसा नहीं ऐसा करें, ये नहीं वो करें, उसके बावजूद उसी घोड़े पर उसी चेहरे पर दांव लगाया गया? देखिए राजीव जी, जिस तरीके से अभी कौशल साहब ने बोला, रंजीता जी ने बोला, ये बार बार इन्होंने बात रखी कि वो ऐसा कह रहे थे कि वो बनना चाहते थे, मुझे लगता है इससे बिल्कुल पलट बात है। वो बनना चाहते हैं, वो पहले ऐसा नहीं सोचते थे, उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में भी आ सकते हैं। उन्होंने पिछली बार जो इस्तीफा दिया वो कुछ मलाई वगैरह आपका सिस्टम रहता होगा उसके चलते दिया था, क्योंकि जो अपने स्टेटमेंट में भी उन्होंने बोला कि वो मलाई ज्यादा खा गए, वो मलाई कम खा गए, उसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। लेकिन अब वो ये सोचते हैं कि शायद मेरा नंबर आ जाए, अब वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। वो ये चाहते हैं कि पार्टी का वर्चस्व खत्म हो चुका है, पार्टी आधार में नहीं है, इस वक्त शायद पार्टी मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर कंसीडर कर ले ताकि अगले जब भी आए 20 साल 10 साल 15 साल के बाद ये सरकार, और उस टाइम पे मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सके। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो चाहते थे, वो नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, वो चाहते हैं कि अब मैं उस दौड़ में आ जाऊं, अगर चार लोग हों तो उसमें मेरा भी एक नाम हो, इसलिए उन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट इस वक्त पे दी है जिस वक्त में आज इन स्टेटमेंट्स के कोई मायने नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने जिम्मेदार अगर उन्होंने जिम्मेदार स्टेटमेंट दी होती तो शायद उन्होंने ये बताया होता कि हार की वजह है क्या है, उन्होंने ये नहीं बताया होता कि हार एक व्यक्ति विशेष की वजह से हुई है, क्योंकि वो खुद भी हारे हैं और ऐसे में उनका अपना जो व्यक्तित्व है वो भी दांव पर लग चुका है। तो इस टाइम पे इस टाइप की स्टेटमेंट देना कि हरियाणा सरकार जो है वो हारी है, वो एक व्यक्ति की वजह से हारी है, मैं ये मानता नहीं हूँ। हाँ, आज उनकी स्टेटमेंट जो आ रही है वो फ्यूचर के लिए आ रही है, वो पिछले पास्ट के लिए नहीं है, वो ये नहीं कहना चाहते कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इस हार में भी वो अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं, नेचुरली वो अपना स्पेस देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि प्रभु हमें इतनी शक्ति दे कि हम इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करें, पांच साल बाद जाए तो वो स्पेस फोर्स जिसकी कल्पना कर रहे हैं कप्तान साहब या और बहुत सारे कप्तान हो सकते हैं, वो किसी को न मिले। दूसरी बात ये कि जो बात आज उन्होंने बोली कि हार के लिए कौन जिम्मेदार है, या इससे पहले भी वो बोले और कांग्रेस के अनेक नेताओं ने बोली, उसमें से एक सार तत्व ग्रहण करने का है राजीव जी, वो ये कि कांग्रेस की जो गई सरकार है, बीती सरकार है जो चली गई, उस सरकार ने निसंदेह क्षेत्रवाद फैलाया, भेदभाव फैलाया, और सबसे खतरनाक जो काम किया वो भीतर में, जो पार्टी, हर पार्टी के भीतर एक आंतरिक डेमोक्रेसी होती है, लोगों को कहने का अधिकार होता है। कांग्रेस के भीतर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा किसी को मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने का अधिकार नहीं था? ये कहना रंजीता जी का कि वो सपने देख रहे थे, तो क्या आपकी पार्टी में प्रतिबंध है? मैं समझता हूं प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक को मुख्यमंत्री, विधायक या और कुछ बनने का सपना देखने का अधिकार है, और जो राजनीतिक दलों में हैं, विशुद्ध राजनीति करते हैं, उनको तो है ही, लेकिन कांग्रेस के भीतर वो डेमोक्रेसी समाप्त थी। कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति या एक परिवार के आसपास हरियाणा में भी घूमती दिखाई दी, और जो जो उनके खिलाफ बोला, भले ही वो महत्वाकांक्षा के कारण सच बोल गया हो, पहली बात तो सच कम बोले, और फिर भले ही महत्वाकांक्षा के कारण सच बोल दिया हो, सच तो कईयों ने बोला, शैलजा जी भी बोली, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बोले और दूसरे नेता भी बोले, लेकिन उस सच की भी अनसुनी हुई। ए, डेमोक्रेसी समाप्त थी भीतर, बी, जिन्होंने सच बोल दिया किसी भी वजह से बोल दिया, उस सच को भी आपने सुना नहीं, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आज जहां पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है, हालांकि उनका आंतरिक मामला है, आज भी खुले मन से विश्लेषण करने के लिए, आत्मविश्लेषण करने के लिए वो तैयार दिखते तो नहीं है, अंदर कहीं कर रहे हो और बाहर रंजीता जी कुछ और कह रही हो, यह अलग बात है। रंजीता जी, छोटा सा जवाब। देखिए
देखिए जो हमारी हार हुई है उसके लिए हम पूरे उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं और हम इस चीज की समीक्षा में हैं। हम पूरा अपना अंदर टटोल रहे हैं कि क्या हमारी कमियां रह गई, कहां हमारी चूक होगी जिसकी वजह से हमारी हार हुई है, और उसका मंथन करके हम जब भी हारे हैं हम डबल बाउंस से वापस हमने बाउंस बैक किया है, और इस बार भी हम डबल अपनी ताकत से बाउंस बैक करेंगे। ये वीरेंद्र चौहान जी को बताना चाहती हूँ। निसंदेह 5 साल के बाद दोबारा से कांग्रेस सरकार आएगी। ठीक है रंजीता जी, अच्छी बात है, ये हौसला भी बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कि 5 साल के बाद आपकी परफॉर्मेंस ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जेटली साहब ने अभी एक बात कही कि हार की वजह तलाशनी चाहिए थी या बतानी चाहिए थी, जो कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है, बजाय इसके ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है। जेटली साहब, हम इसी सवाल को लेकर, इसी बात को लेकर आपके पास आते हैं। जब आप अपनी पार्टी में मंथन करते हैं बैठकर, तो आप अपनी हार की वजह क्या तलाशते हैं? और सबसे बड़ी बात, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से आप देखें तो जब भी पूर्ण बहुमत की सरकारें चलती हैं केंद्र में या फिर अलग अलग प्रदेशों में, तो विपक्ष के पास व्यवहारिक तौर पर सिवाय अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी को और मजबूत करने और मुद्दों को तलाशने और तराशने के काम के अलावा कोई बचता नहीं है। ये कहा जाता है कि हम ये करेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे, ऐसा वैसा, लेकिन कुल मिलाकर अगले चुनाव की जबरदस्त तैयारी की कोशिश होती है। हरियाणा में सीटें आपकी कम हुई, इसके बावजूद आप मुख्य विपक्षी दल का अपना वो ऑरा कायम रख पाए, आपके सामने चुनौतियाँ क्या हैं, रणनीतियाँ क्या हैं? देखिए, हमारी रणनीति में, हमारे कामों में हमने जो परिश्रम किया उसमें कोई कमी नहीं रही। बिल्कुल मैं इस बात को कबूलता हूँ कि प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना मैंडेट दिया, प्रदेश की जनता ने, और प्रदेश की जनता ने उन्हें अपना नेता माना, और उसी के चलते इतना हैवी मैंडेट जो भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि आप देखिए नेतृत्व प्रदेश में कहीं दिखाया नहीं गया था। कोई ऐसा नेता नहीं था जिसे सामने रखकर चुनाव लड़ा गया हो, कोई ऐसा नेता नहीं था जिसकी आइडियोलॉजी को सामने रखा गया। लेकिन ये बात आप लोग क्यों नहीं जज कर पाए कोई ऐसी नीति नहीं। उस दौर में जब हम लोग बहसें कर रहे थे, यही बता रहा हूँ, तब आप एक सवाल बार बार उठाते थे, लगातार कह रहे थे ये प्रदेश का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री का नहीं, ये मुख्यमंत्री का चुनाव है, प्रदेश में बीजेपी के पास चेहरा कौन सा है? मैंने आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप लोग जज नहीं कर पाए, ये क्यों? या जज कर रहे थे लेकिन कहने का बताने का कोई रास्ता नहीं था, ये विरोधाभास क्या था? देखिए, मैंने आप मुझे आज विश्लेषण की बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल पे मात्र आधे घंटे के अंदर मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी थी, और मैंने आपको बताया था कि मेरा अनुमान ये है, ठीक है, वो अनुमान हमने अपने पार्टी लेवल पर भी निकाला कि अब प्रदेश की जनता ने रीजनल इंटरेस्ट से ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट देखे, नेशनल इंटरेस्ट के चलते उन्होंने अपना मैंडेट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को दिया, क्योंकि अगर आप कहते हैं कोई इस बात को कहता है, कोई इस बात को ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया, तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, फिर किसको दिया? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो अपना मैंडेट किसको दिया? क्योंकि नेतृत्व चुनाव के बाद डिसाइड हुआ था हरियाणा प्रदेश में, उससे पहले नहीं हुआ था। और अगर नरेंद्र मोदी जी को दिया, अगर नरेंद्र मोदी जी को दिया, तो आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश की जनता ने किस इंटरेस्ट में दिया, क्या नेशनल इंटरेस्ट में दिया या रीजनल इंटरेस्ट में दिया। अगर रीजनल इंटरेस्ट में दिया होता तो उसके लिए आपको कुछ बैकग्राउंड निकाल के रखना पड़ता है, आपको कोई ना कोई पिछली बात बतानी पड़ती है कि हमने प्रदेश में ऐसा किया था, या आपको यह बताना पड़ता है आपका प्रदेश नेतृत्व ये प्रदान करेंगे, ये एक मजबूत नेता है। ये सब बातें नहीं थी, सिर्फ एक ही बात थी, वो बात यह थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को आगे प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया और उनको मैंडेट मिला, और हम रीजनल इंटरेस्ट में बात करते रह गए, और यहां पर लोग नेशनल इंटरेस्ट की तरफ अपना झुकाव लेते चले गए। और अगर ये चले गए तो इसमें मुझे लगता है कि आप ये नहीं कह सकते हैं बार बार कि आपको हमें विश्लेषण करके हमें नेशनल बातें करनी चाहिए थी, राष्ट्रीय मुद्दे उठाने चाहिए थे प्रदेश चुनाव के अंदर, हम वो काम नहीं कर पाए, और हम नहीं कर पाए तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। राजीव जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है, आपने बात जहां से शुरू करी थी और आप राजीव जेटली जी को ये कह रहे थे, चुनाव से पहले हम अनेक बार इसी स्टूडियो में बैठे और इंडियन नेशनल लोकदल के नेतृत्व, जिसमें राजीव जी भी शामिल थे, लगातार ये कह रहे थे कि प्रदेश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी का चुनाव नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी
कि हवा निकल गई, उनके अभियान की हवा निकल गई, ये सारी बातें कही गई। मैंने कहा आपके और नेता भी थे, ठीक है, और भी आते थे, लेकिन हम लोग ये कह रहे थे कि आप प्रदेश की जनता का मन मूड भांप नहीं पा रहे हैं। मैंने अनेक बार कहा वो चूक कहीं ना कहीं इनसे हुई है, वो इनको विश्लेषण करना है। परंतु एक बात जो अब राजीव जी कह रहे हैं, मैं फिर इनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आपकी लाइन ऑफ थॉट अच्छी है, ठीक है, उसमें उसमें कहीं ना कहीं दम लगता है। निसंदेह ये जो मैंडेट है ये नरेंद्र मोदी जी को है, परंतु राजीव जी तय मानिए ये केवल और केवल नेशनल इश्यूज पर सोचकर नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी खूब हरियाणा में आए, उन्होंने हरियाणा के लोगों के साथ सीधा संवाद किया, एक क्राफ्ता कायम किया, और उसमें उन्होंने क्या कहा, हरियाणा के विकास की बात की, हरियाणा में बदलाव की बात की, हरियाणा आने वाले समय में कैसा होगा उसकी बात की, हरियाणा के इश्यूज उठाए, हरियाणा में किसकी सरकार चाहिए किसकी नहीं चाहिए, तिहाड़ की नहीं चाहिए किसकी चाहिए, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चाहिए, माने वो सारे मसले जो हरियाणा से संबंधित थे उन पर ये भी बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आकर बोल रहे थे, हरियाणा की जनता ने इनको भी सुना, हमको भी सुना, और मसले निस्संदेह नरेंद्र मोदी जी ने उठाए होंगे, लेकिन हरियाणा के सवालों पर मैंडेट है। इंडियन नेशनल लोकदल को थोड़ा सा आत्मविश्लेषण मुझे लगता करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं, हम अपनी जीत का विश्लेषण भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी हार का भी कर लें ईमानदारी से, तो आपके काम आएगा। ठीक है, हम एक फाइनल कमेंट लेंगे जरा कौशल साहब से। कौशल साहब, आप इस पूरे चुनाव को देखते रहे और एक अकेला यही चुनाव नहीं, कई चुनाव आपकी निगाह से गुजरे हैं, फिर उनके विश्लेषण का दौर भी आया होगा। इस चुनाव में जब इंडियन नेशनल लोकदल जैसा मुख्य विपक्षी दल, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि संख्या ऊपर नीचे हो गई होगी, लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल का रुतबा था वो इनेलो ने इस चुनाव के बाद भी कायम रखा, ये चलिए बड़ी बात है। क्या वाकई हरियाणा का जो चुनाव था वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तो लड़ा बीजेपी ने, लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा की जनता भी नेशनल इश्यूज पर या नेशनल इंटरेस्ट पर सोच रही थी जैसा कि जेटली साहब कह रहे हैं, या फिर चेहरे की क्रेडिबिलिटी अपनी जगह है लेकिन प्रदेश की जनता ने उस क्रेडिबिलिटी के जरिए अपने रीजनल इश्यूज को सुलझाने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए वोट किया है? आपकी समझ में क्या ये एक चेहरे की क्रेडिबिलिटी का सवाल था या फिर दो इश्यूज में से जनता ने एक को ज्यादा प्रीफर किया? कौशल साहब, देखिए राजीव जी, समय की कमी के कारण मैं आपको बड़ा संक्षिप्त में उत्तर देना चाहूंगा। हमारे जो असेसमेंट्स थे, यहाँ पे मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि वो असेसमेंट्स भी हमारे लगभग सभी लोगों के उतने पूरे नहीं उतरे जितने के इंडियन नेशनल लोकदल का मान रहे थे सभी, कि सीटें ज्यादा आएंगी, भले ही सरकार बनाने की बात की हमने ना भी कही हो, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? मेन वजह जो हम मानते हैं, जो राजीव जी ने कहा है कि रीजनल इशू और नेशनल इशू, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रीजनल इशू उठाने के मामले में नंबर वन अगर कोई पार्टी है वो है इंडियन नेशनल लोकदल, और ज्यादातर लोगों का भरोसा और विश्वास उस पार्टी में था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन चूक कहाँ हुई है? चूक वहां हुई है जहां पे तिहाड़ जेल में जाकर शब्द लेने की बात कहेगी। समझा ये गया कि शायद इसका कोई सिंपथेटिक कोई मायने इसके होंगे, लेकिन जनता जो है वो जनता ये देखती है कि यहाँ पे क्या ऐसा संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। निस्संदेह ओम प्रकाश चौटाला का पर्सनल लोकप्रियता हरियाणा में आज भी मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा हो सकती है, लेकिन जहां सवाल आता है टेक्निकल बातों का तो वहां पे लोग बहुत समझदार हैं। अगर मैंने एक दिन पहले भी ये सवाल के दिग्विजय को सवाल करते हुए भी कहा कि क्यों अगर अशोक अरोड़ा जी को पार्टी में एक प्रधान मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया होता या नैना चौटाला को ले आए होते तो क्या ऐसा मैसेज ना जाता कि डेमोक्रेटिकली पार्टी में बहुत अच्छा एक मैसेज संदेश लोगों में जाता और टेक्निकली भी लोग ये मानते कि हाँ ऐसा संभव हो सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि रीजनल मामलों में नंबर वन पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है, ओम प्रकाश चौटाला की लोकप्रियता सबसे ज्यादा आज भी मानी जा सकती है, लेकिन जहां तक पार्टी में डेमोक्रेटिक नहीं वहां पे मैसेज गलत गया है। ठीक है, हम बहुत संक्षेप में जेटली साहब से। ठीक है कौशल साहब,
हम बहुत संक्षेप में, जेटली साहब क्या ये चूक हुई है जिस तरफ कौशल साहब इशारा कर रहे हैं लोकप्रियता पे, उनके मुताबिक लोकप्रियता में आप आगे हैं, ठीक है, रीजनल इश्यूज भी आपने खूब उठाए, आपका असेसमेंट कहीं ना कहीं गलत गया। कौशल साहब ये भी कह रहे हैं कि हम सबका असेसमेंट कम से कम उस जगह पर नहीं पहुंचा, लेकिन क्या ये वाकई चूक हुई कि पार्टी जो मैसेज दे सकती थी चुनावों के दौरान वो आप लोगों ने नहीं दिया, आप एक नाम पर टिके रहे और खासतौर से एक बयान ने काफ़ी कुछ बदल दिया? देखिए मैं क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन, इसका जवाब मुझे लगता है मैं डिप्लोमेसी में नहीं दे सकता हूँ, बहुत नॉर्मल सा जवाब है मेरा जी। हाँ कि मैं मानता हूँ कि हाँ चूक हुई, कुछ स्टेटमेंट ऐसी जो डिलीवर कर दी गई जिसके मायने हो सकता है कि कुछ और समझे गए हों लेकिन वो उल्टे पड़ गए, वो उल्टे पड़े। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ, ये मैं अपनी पार्टी लाइन पर ये बात नहीं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि हाँ उसके मैसेज गलत गए, उसको काउंटर करना थोड़ा सा मुश्किल रहा, बावजूद इसके हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने, उसके बाद हमारी कुछ इस टाइप के और बातों की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा, उसके साथ साथ की लोग नेशनल इंटरेस्ट में भी ज्यादा अपना झुकाव दिखा रहे। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चौहान साहब आपकी प्रतिक्रिया हम आगे किन्हीं और कार्यक्रमों में लेंगे जब हम अगले मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो कम से कम इस बदलती रवायत को जरूर थोड़ा थोड़ा महसूस कर रहे होंगे कि इस बदली सियासी फिजा में हमारे कई सम्मानित प्रवक्ता अब चूकों को कमियों को मानने लगे हैं। कम से कम आज की बड़ी बहस में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी से हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल से हो, अपने अपने हिस्से की चूकों को, गलतियों को सभी ने मान तो लिया ही है। अब ये जो रवायत है ये जरूर शुरू हुई है, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। बहुत धन्यवाद, बड़ी बहस इसी तरह से जारी रहेगी, कल और किसी नए मुद्दे या मुद्दों के साथ हम हाजिर होंगे।